क्वेश्चन नंबर टू, कैपिटल गेन्स। जोजो परचेज्ड अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1 सितंबर 1999 फॉर रुपीज 4,10,000। जोजो ने एक घर 1 सितंबर 1999 को खरीदा 4,10,000 रुपीज में। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज 3,70,000। उसी घर का फेयर मार्केट वैल्यू 2001 में 3,70,000 था। ठीक, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था अगर हाउस 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी गई है तो फिर इंडेक्सेशन निकालते वक्त हम कॉस्ट ऑफ एसेट और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में से जो ग्रेटर होगा उसको कंसिडर करेंगे। ठीक, आगे लिखा है ही इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। ए, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर ड्यूरिंग 2000-2001 10,000 रुपीज। पहले दोनों देख लेते हैं हम। बी, रेनेवल्स रिकंस्ट्रक्शन इन 2013-14 4,40,000। आप देख रहे हो ए पॉइंट में बोला गया है कि एक ग्राउंड फ्लोर बनवाया गया, ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम बनाया गया था और एक 2013-14 में रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। ठीक है तो ये दोनों ही इंप्रूवमेंट, लेकिन इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ये भी बताया था कोई भी इंप्रूवमेंट अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले कंसिडर हुआ है तो उसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे। इफ एनी एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फॉर इंप्रूवमेंट प्रायर टू 1 अप्रैल 2001 इट शैल नॉट बी डिडक्टेड। तो ये जो पहला वाला पॉइंट है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूम का है तो ये इंप्रूवमेंट वाला, लेकिन क्योंकि ये 1 अप्रैल 2001 से पहले हुआ है इस 10,000 को आप कंसिडर ही नहीं करोगे। ठीक, फिर रिनेवल रिकंस्ट्रक्शन, ये क्योंकि 1 अप्रैल 2001 के बाद हुआ है तो इसका आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का जैसे इंप्रूवमेंट ईयर इंडेक्स निकालते हो वैसे निकाल के इसको लेस करोगे। ठीक है, आगे लिखा है द प्रॉपर्टी वॉज ट्रांसफर्ड ऑन 31 मार्च 2024 फॉर 45,00,000 रुपीज। तो भाई ये असेसमेंट ईयर है 2024-25 और हम इसमें प्रीवियस ईयर 23-24 का सारा चीज लेते हैं और 31 मार्च 2024 को ये सेल हो गया था 45,00,000 रुपए का। ठीक, आगे हमको कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना है। 13-14 का इन्फ्लेशन इंडेक्स 220 और 23-24 का 348 दे रखा है। सॉल्यूशन देखते हैं टू का। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन्स। फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो हम लिखते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। फॉर्मेट की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप जाके देख लो। सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स। सेल कितने का हुआ है? 45,00,000 रुपीज का। सीधे हम आउटर कॉलम में लिख देंगे 45,00,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हम लेस करते हैं एक्सपेंसेस या फिर ब्रोकरेज ऑन सेल्स, तो आता है नेट सेल्स। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्सपेंसेस ब्रोकरेज नहीं है तो यही हो जाएगा नेट सेल्स। ठीक, फिर आप लेस करोगे क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। भाई देखो, हाउस प्रॉपर्टी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था अगर 24 महीने से ज्यादा घर एसएससी के पास रहता है तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा और उसमें इंडेक्सेशन निकलेगा। तो लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हाउस 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज की गई है तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज ग्रेटर इनटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। तो आप देखो, कॉस्ट ऑफ एसेट है 4,10,000, फेयर मार्केट वैल्यू है 3,70,000। आप बताओ इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है? तो 4,10,000। तो यहां लिखो आप 4,10,000, ठीक, इनटू सेल ईयर इंडेक्स। कौन से ईयर में सेल हुआ है? 23-24 में। उसका इंडेक्स क्या है? 348 अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। ठीक है, अब ध्यान देना इस क्वेश्चन में कि परचेज कब हुआ है। इस क्वेश्चन में पढ़ो यहां पे 1 सितंबर 1999 का, और जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में इंडेक्सिंग वाला पेज दिखाया था, मतलब इंडेक्स वाला, तो उसमें 2001 से स्टार्ट था। तब मैंने आपको ये चीज बताई थी कोई भी हाउस
1 अप्रैल 2001 से पहले परचेस की गई हो तो उसमें हम 2001 का ही इंडेक्स लेंगे, क्योंकि 2001 को बेस इंडेक्स माना जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई भी हाउस 2001 के पहले परचेस की गई होगी तो आप उसमें 2001 का ही इंडेक्सिंग लोगे। देखो इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आपको याद करके ही रखना होगा वो। तो जैसे यहाँ 2001 का इंडेक्सिंग क्या है आपको पता होना चाहिए, 100। ठीक है, रट लो एकदम, आप समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये हो जाएगा आपका 410,000 इंटू 348 डिवाइड बाय 100। ये हो गया 14,26,800। इसको अभी हम इनर कॉलम में लिखेंगे, 14,26,800। ठीक है, उसके बाद और कुछ भी है? हाँ, इंप्रूवमेंट हुआ था, तो लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब देखो दो इंप्रूवमेंट हुए, ए पॉइंट में बोला गया है रूम बनाया गया है, लेकिन ए वाला पॉइंट 2000-2001 में हुआ है और 1 अप्रैल 2001 के पहले कोई भी इंप्रूवमेंट हुआ है तो हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं, डिडक्ट ही नहीं करेंगे। तो ए पॉइंट को एकदम निग्लेक्ट कर दो आप। बी पॉइंट में जो हुआ है वो 13-14 में हुआ है, ठीक, तो उसको हम कंसिडर करेंगे क्योंकि वो 1 अप्रैल 2001 के बाद हुआ है। ठीक, तो आप यहाँ इसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना है बी पॉइंट में, 440,000। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू सेल ईयर इंडेक्स, तो सेल ईयर इंडेक्स है 348 अपॉन पर, सॉरी यहां इंप्रूवमेंट हुआ था तो इंप्रूवमेंट ईयर इंडेक्स, किस ईयर में हुआ इंप्रूवमेंट, 13-14 में, तो 13-14 का इंडेक्स क्या है 220। इसको फिर से देखो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन इंप्रूवमेंट ईयर इंडेक्स, इंप्रूवमेंट हुआ था 13-14 में तो 13-14 का इंडेक्सिंग हमने लिख दिया। इसको सॉल्व कर लो, 440,000 इंटू 348 डिवाइड बाई 220, ये हो गया 6,96,000। अब इन दोनों को आप ऐड करके आउटर कॉलम में लिख दो, तो 6,96,000 प्लस 14,26,800, ये हो गया 21,22,800। इसको आप लेस करोगे नेट सेल्स में से, ये हो गया 23,77,200। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक, फिर से देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हमने सेल्स लिया, फिर एक्सपेंसेस यानी कि ब्रोकरेज कमीशन नहीं था तो यही नेट सेल्स हो गया। उसके बाद क्योंकि असेट 24 महीने से ज्यादा था तो यहाँ पे इंडेक्सेशन निकलेगा। ठीक है, इंडेक्स निकाला हमने कॉस्ट ऑफ एसेट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज ग्रेटर इनटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। क्वेश्चन में बोला गया है परचेज हुआ है हाउस 1 सितंबर 1999 को और कोई भी हाउस 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा गया है तो उसमें हम 2001 का ही इंडेक्स लेते हैं। ठीक है, फिर है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमने निकाला, तो दो पॉइंट थे इंप्रूवमेंट के, लेकिन पहला वाला इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहले हुआ था इसलिए उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, बी वाला जो था उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक, तो 440,000 इंटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन इंप्रूवमेंट ईयर इंडेक्स, इंप्रूवमेंट हुआ था 13-14 में। ठीक है, फिर यहाँ सॉल्व किया, दोनों को ऐड करके बाहर लिखा हमने, 45 लाख में से लेस किया, यह आ गया 23,77,200। ठीक,